अफान अफान अफान। फाखरा बहन क्या हो गया? फाखरा बहन अंदर चल के इत्मीनान से बात कर लेते हैं। इत्मीनान तो आपकी बेटी ने खत्म कर दिया, घर का सुकून गारत करके रख दिया उसने। हमारी बेटी तो हमेशा से आपके खानदान में खुशियां बांटती आई है, आप ये उसका सिला दे रही हैं? इन खुशियों की कितनी बड़ी कीमत वसूल की है उसने, ये नहीं देखते आप? मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम कैसे उठा सकता है, मैं भी देखती हूँ। अफान अफान जी, क्या ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मुझे शफीक अंकल से कुछ बात करनी थी। यही कि तुम उनकी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो इसमें बुराई क्या है? जब मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मी, मैं नहीं जानता कि आप क्यों इनकार कर रही हैं, लेकिन यकीन मानो एनी एक बार फिर अच्छी बहू साबित होकर दिखाएगी आपके लिए, इस घर के लिए। उन्हें बेवा होने की इतनी बड़ी सजा मत दें। खूब अच्छी तरह से जानती हूँ तुम किसकी जबान में बात कर रहे हो। जब मैं तुम्हें इनकार कर चुकी हूँ तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मी, आज आपको सबके सामने वजह बतानी है, सो प्लीज अंदर चले बैठ के बात करें। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। तो मम्मी बात कैसे होगी? इस तरह गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। It's enough now. तुम मम्मी को फोर्स क्यों कर रहे हो? मैं मम्मी को फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन एक माँ को अपने बेटे की ख्वाहिश को समझना चाहिए। ख्वाहिश? जिसे तुम ख्वाहिश करार दे रहे हो, जानते हो उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? इतना बेशर्म कर दिया इस लड़की ने तुम्हें। मम्मी, आपका दिल जानता है मैं रिश्तों का कितना एहतराम करता हूँ, और सब जानते हैं कि एनी की मैंने बहुत इज्जत की है। जो भी रिश्ता था बाखूबी निभाया मैंने। अब वो महरूज भाई की बेवा है, और अगर मैं उन्हें इज्जत से अपनाना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? और जब इस बात के लिए मेरा मजहब कानून सब इजाजत देते हैं तो आप सबको क्या मसला है? एनी की शय पर तुम इस हद तक आगे निकल जाओगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और कल तक तो वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, आज कैसे राजी हो गई? इससे तो यही पता चलता है ना कि वो नाटक कर रही थी। आखरा बहन, मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। बेहतर होगा कि ये मामला जो है खुश उसलूबी से सेटल कर ले, वरना अगर बच्चों ने कोई कदम उठा लिया तो उसके बाद फिर आप ही रोती रहेंगी। अच्छा, तो आप लोग शह दे रहे हैं अफान को, वरना इतना घटिया फैसला तो अफान कर ही नहीं सकता था। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। अम्मी और बाबा का दिमाग भी एनी ने ही खराब किया है, इस सारे फसाद की जड़ वही है। एमल, बकवास बंद करो। एमल ठीक कह रही है आंटी, एनी को समझाने की बजाय आप उसी की साइड पर हो गई। जब हमारी फैमिली में कोई भी इस रिश्ते से राजी नहीं है तो फिर आप लोग क्यों क्यों साइड ले रहे हैं उसकी? क्योंकि एनी हमारी बेटी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एमल हमारी बेटी है। और अगर हम एमल की खुशी पूरी करने के लिए तुमसे उसकी शादी करवा सकते हैं तो हम अपनी दूसरी बेटी की खुशी क्यों नहीं पूरी कर सकते? मैं रोज से तो उसकी धोखे से शादी करवाई गई, और अब अगर वो दिल से अफान से शादी करना चाहती है तो हम अब उसके साथ ज्यादती हरगिज नहीं होने देंगे। एनी कहाँ है? अंदर है, मुझे उससे बात करनी है। मम्मी,